स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आफ्टर योर यूनिट टेस्ट टू सिल्वर बेल स्कूल मानसरोवर पालनपुर. सो बिफोर योर यूनिट टेस्ट वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 8. सो टुडे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.1. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 meter. देखो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना. क्या पूछा है? फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. एक स्क्वायर की साइड पूछी है हुज पेरीमीटर इज 20 meter. मतलब यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया है. पता चला आप लोगों को? देखो उल्टा मत कर देना. एक स्क्वायर है ना, उसका पूरा पेरीमीटर दे दिया है और उसकी एक साइड का मेजरमेंट हमको फाइंड करना है. ये आप समझ लो. तो वैसे ओरली तो हम फटाक से इसको कर सकते हैं कि भाई पेरीमीटर है, चारों साइड का टोटल इतना है पेरीमीटर, तो एक का कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे. तो ऐसे ओरली हो जाएगा, लेकिन इसको हमको मेथड से करना पड़ेगा. सो वी विल राइट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है? 4 into L. हियर पेरीमीटर इज 20 meter. देयरफॉर ईच साइड इज इक्वल टू 20/4. ठीक है ना, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, बोला ना मैंने, इज इक्वल टू 5 meter. देयरफॉर क्या है हमारा क्वेश्चन? फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 5 meter. ये हो गया आपका आंसर. आया समझ में? वेरी गुड. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन इज 100 centimeter. हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड. यहाँ पे भी पेरीमीटर दे दिया है. पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन इज 100 centimeter. हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड. तो जैसे यहाँ स्क्वायर में किया वैसे यहाँ करेंगे. पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन इज इक्वल टू, अब रेगुलर पेंटागॉन है मतलब वो जो पेंटागॉन होगा ना 5-sided वाला, 1, 2, 3, 4 और 5 sided वाला पॉलीगॉन, उसकी सारी की सारी साइड का मेजरमेंट ना इक्वल होगा. रेगुलर है मतलब सारी साइड इक्वल मेजरमेंट की. तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 5 into L, क्योंकि जो एक साइड होगी L उसको 5 से मल्टीप्लाई करने से वो पेरीमीटर मिल जाता है. अब यहाँ पे हियर पेरीमीटर इज 100 centimeter. देखो ये ध्यान में रखना, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, वो खास ध्यान में रखने का. देयरफॉर ईच साइड इज इक्वल टू 100/5, क्योंकि उसमें 5 साइड होगी पेंटागॉन, इसलिए तो आंसर हो जाएगा 20 centimeter. ठीक है, तो अब उसको देयरफॉर कैसे पूछा है यहाँ पे कि हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड. तो ईच साइड ऑफ द पेंटागॉन इज इक्वल टू 20 centimeter. क्लियर? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ वॉट इज क्वेश्चन नंबर 11? लेट्स सी. अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 centimeter लॉन्ग. एक डोरी है, स्ट्रिंग मतलब डोरी, डोरी का एक टुकड़ा है, पीस है, वो कितना लंबा है? 30 centimeter लंबा है. What will be the length of each side if the string is used to form? अब वो डोरी जो 30 centimeter लंबी डोरी है उसमें से हम अलग अलग शेप बनाने वाले हैं. तो अगर वो डोरी का हम स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर की ईच साइड जो जो शेप बनेगा ना उसकी हर एक साइड का हमको मेजरमेंट फाइंड करना है.
तो देखो ये जो डोरी हो गई वो तो हो गया पेरीमीटर, क्योंकि सारी साइड मिलके वो डोरी जितनी बनेगी, अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो चारों साइड मिलके वो डोरी जितना ही लेंथ होगी ना बेटा, तो ये डोरी जो है वो हो गया पेरीमीटर, समझो आप लोग। तो हम लोग लिखेंगे पहले ए वाला करते हैं, यहाँ पे ए बी सी तीनों है, तो देखो ए ही शुरू करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पहला ए वाला स्क्वायर है ये पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, फॉर्मूला है 4 × f। अब हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्यों 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डोरी है उसकी हेल्प से हमको ऐसे हम डोरी ना सेट करेंगे कि ये ऐसे ले गए वही डोरी को यूँ और ऐसे हमने डोरी को रखा, तो ये जो पूरी 30 सेंटीमीटर की डोरी है वो ऐसे हमने रख दी, तो एक साइड कितनी होगी तो 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो ईच साइड इज इक्वल टू 30 / 4 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर होगा। देयरफॉर इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर द साइड विल बी 7.5 सेंटीमीटर, अगर उसका स्क्वायर बनाएंगे तो 7.5 सेंटीमीटर की साइड होगी। अब बी है क्वेश्चन, बी में क्या बना रहे, वही स्ट्रिंग का वही डोरी का यूज करके इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे तीनों साइड इक्वल होगी ऐसा ट्राइंगल, हम मतलब वो डोरी को हम ऐसे 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 करके रखेंगे, तो फिर एक साइड कितनी लंबी होगी तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे पेरीमीटर को, इजी है ना, चलो शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 × l, हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, वही डोरी इतनी लंबी है वही उसका पेरीमीटर, देयरफॉर ईच साइड इज इक्वल टू 30 / 3, क्योंकि ये 3 है साइड तो हम 30 को 3 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो तुम लोग यहाँ लिखोगे यही वाला, क्या लिखोगे, इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द साइड विल बी ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्लियर, नाउ सी सी में क्या पूछा है, अ रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6-sided पॉलीगॉन और वो सारी साइड सेम लेंथ की होगी इसलिए उसको रेगुलर हेक्सागन बोला, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 6 × l। अब आप लोग ना खुद करोगे इसको पूरा, आपको खुद करना है, हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, फिर लिखोगे ईच साइड इज इक्वल टू 30 / 6 इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, और फिर जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ पे हेक्सागन करके 5 सेंटीमीटर का आंसर आप लिखोगे। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 12। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड का मेजरमेंट दे दिया है और थर्ड साइड कितनी है वो ढूंढनी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने पेरीमीटर भी दे दिया है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का टोटल उसने दे दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको दिमाग चलाना है, जो समझना है वो अपने वर्ड्स में लिखना है और उसका आंसर लाना है। तीनों साइड का टोटल दे दिया है 36 सेंटीमीटर, उसमें से 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दो साइड है, तो तीसरी साइड कितनी होगी। इन दोनों को इसमें से निकाल देंगे ना बराबर, तो तीसरी साइड मिल जाएगी। तो वह आप अपने राइटिंग में अपने वर्ड्स में ये क्वेश्चन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो समझ में आए जैसे वर्ड्स यूज़ करने लिख के इसका आंसर आपको लाना है। ओके बेटा, तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।